हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो आज मैं एक बहुत अच्छी सी रेमेडी आप लोगों के लिए लेकर के आ गई हूँ। एक ऑयल है, मसाज ऑयल है, यूँ कहिए कि नारियल तेल से बनाया हुआ एक सीरम है, जो कि नाइट में आपको लगाना है, लगा के सो जाना है, रात में वो वर्क करेगा, अपना काम करेगा। तो बहुत ही आसान है और बहुत बाहर से कुछ लेना नहीं है, घर में ही सारे इंग्रेडिएंट मिल जाएंगे आपको। बहुत ही सिंपल सी रेमेडी है, फटाफट से मैं आपको बताती हूँ। तो इसमें मैंने 2 चम्मच लिया है नारियल का तेल, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। मैं 1 हफ्ते के लिए बना रही हूँ, क्योंकि 2-3 बूंद ही लगता है, ये ज़्यादा नहीं लगता, तो इसलिए 2 चम्मच नारियल का तेल। वर्जिन कोकोनट ऑयल है तो वो ले सकते हैं, आपने मशीन से निकलवाया है, कहीं से मंगवाया है वो ले सकते हैं, आप मार्केट से कोई भी अच्छा ब्रांड ले सकते हैं। उसके बाद मैंने इसमें आधा चम्मच ग्लिसरीन लिया है, आप इसका जैसे 1/4 का हिसाब लगा सकते हैं। अगर 2 चम्मच ग्लिसरीन है, 2 चम्मच नारियल तेल है, तो उसमें 1/2 चम्मच ग्लिसरीन और 1 विटामिन ई का कैप्सूल डालेंगे इसके अंदर। तो आप इसकी जगह पे विटामिन ई की कैप्सूल डाल सकते हैं, या फिर थोड़ा सा 2-3 ड्रॉप बादाम का ऑयल डाल सकते हैं। अगर नहीं तो विटामिन ई कैप्सूल डालिए, और उसके बाद थोड़ा सा 1/4 चम्मच ही देखिए एलोवेरा जेल डाला है मैंने। इसकी जगह पर आप डाल सकते हैं शहद, लेकिन शहद जो है वो डालने के बाद ना आपको मुँह धुलना पड़ेगा। अगर आप शहद यूज़ कर रहे हैं एलोवेरा जेल की जगह, तो आपको फेस वॉश करके ही धोना होगा। खूब अच्छे से फेंटेंगे इसे, 3 से 4 मिनट तक खूब फास्ट एकदम अच्छे से फेंट लेंगे। इसमें इसके सारे प्रॉपर्टीज़ एक्टिवेट हो जाएंगे, और देखिए बिल्कुल क्रीम के जैसे हो गया है। इसे मैं लगा के दिखा रही हूँ, फेस पर भी मैं अप्लाई करके दिखाऊंगी आप लोगों को। तुरंत इसे थोड़ी देर मसाज करेंगे, चाहे जहाँ भी लगाना है आपको, हाथों में, पैरों में, सोते समय आप पैर के पंजों में भी लगा सकते हैं, हाथ में भी लगा सकते हैं, और चेहरे के लिए तो है ही है, चेहरे पर भी लगा सकते हैं। तो मैं इसे अप्लाई करके दिखा रही हूँ आप लोगों को। ये बिल्कुल एकदम क्रीमी जैसा, जैसे सीरम आते हैं वो सीरम की तरह हो चुका है। समझ लीजिए नारियल तेल का एक सीरम बना के तैयार कर लिया है। तो इसे थोड़ा सा हाथ में लगे, अभी मैंने फेंटा है, जब आप उसे हर दिन लगाएंगे तो 4 से 5 बूंद आप हाथ पर लीजिए, और उसे दोनों हाथों से रब करके एक्टिवेट कर लीजिए। इसके बाद इसे 2 फिंगर लेंगे, दोनों फिंगर से जैसे मसाज का पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ, इस हिसाब से सर्कुलर मोशन में आपको गालों पे करना है। फिर लिप्स के दोनों साइड में जहाँ पे झुर्रियाँ पड़ती हैं, एजिंग जल्दी से दिखने लगती है, वहाँ पर आपको लगाना है। नाक को ऊपर की तरफ ले जाते हुए, लिफ्ट करते हुए आपको मसाज करना है। आईब्रोज को ऊपर की तरफ लिफ्ट करते हुए आपको मसाज करना है। फिर फोरहेड पे, जो फोरहेड नीचे की तरफ आने लगता है हमारा एजिंग के टाइम पर, और वहाँ पर बड़ी बड़ी धारियाँ बन जाती हैं राइट से लेफ्ट के साइड, उस पर ऐसे ऊपर की तरफ ले जाते हुए माथे पर मसाज करना है आपको। बिल्कुल रिलैक्स होके आँख बंद करके मसाज करना है, पूरे फेस पे अच्छे से मसाज करेंगे तो बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट है, बहुत अच्छा बेनिफिट है इसका। आप देखेंगे कि 1 हफ्ते आप मसाज करके देखिए, और हमेशा फेस को 2 से 3 बार हफ्ते में मसाज करना ही चाहिए। फेस ऑयल से लगा लीजिए, नहीं कुछ है तो नॉर्मल सादा अपना कोकोनट ऑयल से मसाज कर लीजिए आप। आँखों के किनारे किनारे आँखों को रिलैक्स करना है, क्योंकि हम सोने जा रहे हैं, तो आँखों के रिलैक्स, जो आँखों के नीचे डार्क सर्कल्स बनते हैं ना, उसमें भी ये बहुत फ़ायदा करता है। और आँखों के आउट कॉर्नर जो है ना, वहाँ पर आप ऐसे सर्कल करेंगे, तो जब हम हंसते हैं तो वहाँ पर रिंकल्स बहुत ज़्यादा दिखती हैं, एजिंग बहुत ज़्यादा दिखती है, तो वो भी लिप्स के दोनों साइड, ऐसे आँखों के दोनों साइड, नाक को ऊपर की तरफ लिफ्ट करते हुए करना है, ऐसे करके आपको मसाज करना है। अब इसका बेनिफिट की एक वर्क कैसे करेगा ये जानेंगे हम। इसमें सबसे पहले हमने लिया था नारियल तेल, जो हमारी स्किन को बहुत प्रोटेक्ट करता है और स्किन के अंदर नमी को बना करके रखता है। बहुत जैसे सूजन वगैरह है या बहुत स्किन ड्राई है, तो सिर्फ नारियल तेल से ही मसाज करेंगे तो बहुत आराम मिल जाता है, और नमी तो लॉक करता ही है। उसके बाद हमने लिया था ग्लिसरीन। ग्लिसरीन जो है उसका स्वाद मीठा होता है हल्का, जैसे कहीं भी लिप्स वगैरह पे लगाते समय हमें टेस्ट आ जाता है, तो मिठास होती है उसके स्वाद में, और ये एक प्रकार का मॉइस्चराइज है। और ये बहुत सारी चीज़ों में, हमारे जैसे ब्यूटी प्रोडक्ट में बहुत सारी चीज़ों में यूज होता है, स्किन की लेयर्स में नमी
को लॉक करता है, लेयर्स बाय लेयर्स नमी को लॉक करता है। और इसका इसमें बहुत मॉइस्चराइजिंग एजेंट जो होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके बाद लिया था एलोवेरा। एलोवेरा एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, सनबर्न को ठीक करता है और बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करता है। तो आप लगाइए, ज़रूर मसाज करिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत जल्दी मिलूँगी वीडियो में। बाय बाय।